Morning students, how are you all? I am Bhagya Mishra, your physics teacher, here again with a new video on physics class. Students, as you all know, we have already started with this chapter, that is laws of motion. In my previous videos, I have explained you the laws of motion, that is first law, I have explained you that was regarding laws of inertia. Second law, that was related to law of momentum. And the third law, that was action-reaction law. So in today's lecture I will be discussing about the laws of gravitation. I will be telling you about gravitation kya hota hai, laws of gravitation kya hai, acceleration due to gravity kya hoti hai, aur uski Newton's equations of motion mein kya fark padta hai, importance of law of gravitation. So let's start with the video. Law of gravitation. बिफोर स्टार्टिंग दिस लॉ, पहले मैं कुछ चीजें आपको बता दे रहा हूँ. जैसे हम लोग ग्रेविटेशन के बारे में पढ़ते हैं तो बेसिकली क्या होता है, हर बॉडी इस यूनिवर्स में, इस वर्ल्ड में क्या होती है, बेसिकली एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है जस्ट बिकॉज ऑफ द मास. ठीक है, हर बॉडी एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है, दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ अट्रैक्शन. ठीक है, अट्रैक्ट करती है एक दूसरे को. हमें जो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में पढ़ना है उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, बेसिकली विल कंसिडर टू बॉडी. मैं इसको डेरिवेशन के टाइप में बता दूंगा, लेटर ऑन आई विल बी giving you the definition. अगर कोई आपसे पूछ ले स्टेट लॉ ऑफ ग्रेविटेशन देन वॉट यू हैव टू राइट, वो भी बता रहा हूँ. फॉर दिस डेरिवेशन विल एज्यूम टू बॉडीज, लेट वन बॉडी बी ए एंड अदर बॉडी बी बी विथ मासेस एम वन एंड एम टू सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस आर. ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया, लेट अस कंसीडर टू बॉडीज with masses m1 and m2 separated by a distance r. ठीक है, हम लोगों ने ये assume कर लिया कि दो bodies हैं जो कि first body आपकी a है, second body b है, जिनके masses m1 और m2 है और उनके बीच का distance r. तो इसमें जो force लगेगा इनके ऊपर, this force will be directly proportional to product of the masses of two bodies. ये चीज आपको याद रखनी है कि ये दो bodies का जो भी mass होगा इनका product force पे directly proportional होगा. मतलब जिस body का mass ज्यादा होगा उस पर force ज्यादा लगेगा, जिस body का mass कम होगा उस पर force कम लगेगा. Now force will be inversely proportional to square of the distance, inversely proportional to square of the distance between these two bodies. मतलब क्या हुआ इसका, जो फोर्स लग रहा है, जैसे अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये बॉडी पे फोर्स लगेगा एफ ए बी और इस पे लगेगा एफ बी ए, और हमेशा याद रखिएगा इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो सेम होगा बट डायरेक्शन अलग होगी. एफ ए बी इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ एफ बी ए, याद रखेंगे. दे कैंसिल आउट द इफेक्ट ऑफ ईच अदर, एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट करेंगे, न्यूट्रलाइज करेंगे. सो फ्रॉम दीज टू इक्वेशन वी कैन से दैट एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम वन एम टू by r square. ये आएगा हमारा. Now on removing this constant of proportionality we'll get f equal to g m1 m2 by r square. This will be the final result where g is the universal, g is the gravitational constant. Gravitational constant. G क्या है हमारा, gravitational constant. ठीक है, और इसकी वैल्यू होती है बेसिकली जी की वैल्यू 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11. अभी यूनिट के लिए मैं आपको सिखाता हूँ, इसकी यूनिट भी आपको निकालनी पड़ेगी, अभी दिखा रहा हूँ. ठीक है, तो अगर कुछ भी पूछता है व्हाट इज लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, तो यू विल से इट स्टेट्स दैट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मास ऑफ द टू बॉडीज एंड फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू बॉडीज. दैट इज अगर डिस्टेंस का स्क्वायर है, इसका मतलब अगर ये वैल्यू बढ़ी तो उसका स्क्वायर और भी ज्यादा बढ़ा, देन दिस विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, मतलब जितना ज्यादा डिस्टेंस बढ़ेगा उतनी फोर्स ऑफ ग्रेविटी आपकी क्या हो जाएगी, बेसिकली कम हो जाएगी, और अगर ये कम होगा तो ये ज्यादा हो जाएगा. तो दिस वॉज अबाउट लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. अब हमको इसकी यूनिट को डिस्कस करना है और इसकी डिपेंडेंसी चेक करने की, ये जो आपका जी है ये कैसे डिपेंडेंट है. तो पहले हम लोग यूनिट निकालेंगे, यूनिट ऑफ जी, और वैल्यू तो आपको पता ही है 6.67 इंटू 10 टू पावर माइनस 11 रहेगी इसकी जी की, लेकिन यूनिट आपको चेक करनी है. तो एफ इक्वल टू जी एम वन एम टू
बाय आर स्क्वायर होता है। अगर हम जी निकालना है दिस विल बी इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई एफ इन टू आर स्क्वायर अपॉन एम वन इन टू एम टू। एफ फोर्स होता है, फोर्स की यूनिट न्यूटन होती है। आर इज योर डिस्टेंस, तो आर मीटर में होगा, दिस विल बी मीटर स्क्वायर। मास के जी में होता है तो दो है तो के जी स्क्वायर। अगर सॉल्व करेंगे तो जी की एक्चुअल वैल्यू, वैल्यू ऑफ जी ये हो जाएगी आपकी 6.67 इंटू 10 की पावर माइनस 11 न्यूटन के जी पावर माइनस 2 मीटर स्क्वायर। दिस विल बी द फाइनल रिजल्ट। तो वैल्यू ऑफ जी होती है इंडिपेंडेंट होती है ऑफ नेचर और टेम्परेचर और नेचर ऑफ मीडियम। ठीक है, ये कॉन्स्टेंट रहेगी आपकी, इतनी ही रहेगी आपकी। ठीक है, अब हमें हमसे पूछा जाता है कि लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, इसके कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स या फिर कह सकते हैं क्या इसका इंपॉर्टेंस है या फिर क्या चीजें इसमें हम लोग पढ़ सकते हो। जैसे आपको एक चीज पता है कि जो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, ठीक है, यह हमेशा अट्रैक्टिव इन नेचर होगा। इट विल बी ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर, अट्रैक्टिव इन नेचर। ठीक है, दूसरा क्या होगा, सिग्निफिकेंस भी है कह सकते हैं इसको हम लोग। दूसरा हमारा ये होगा इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द मासेस ऑफ टू बॉडी, प्रोडक्ट ऑफ द मासेस ऑफ टू बॉडी। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या हो जाएगा हमारा, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू बॉडी, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू बॉडी। ठीक है, दो बॉडी के बीच के डिस्टेंस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। और फोर्थ पॉइंट क्या होना चाहिए इसमें, इट इज एप्लीकेबल फॉर हेवनली बॉडीज, एप्लीकेबल फॉर हेवनली बॉडीज नॉट फॉर द लाइटर वन। लाइक अब इसका एग्जाम्पल हम लोग देखें तो जो प्लेनेटरी मोशन होता है, जैसे अपने प्लैनेट्स जो होते हैं वो सन के अराउंड जो रिवॉल्व करते हैं, तो बेसिकली इसको लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जस्ट बिकॉज ऑफ द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन दे रिवॉल्व अराउंड द सन। लाइक मून भी जो अर्थ के अराउंड आपको रिवॉल्व करेगा तो दिस विल बी जस्ट बिकॉज ऑफ दिस लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, अब हमें इसमें एक टॉपिक और पढ़ना है जिसको हम लोग बोलते हैं एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और रिलेशन बिटवीन ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट एंड एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है और उसका सिग्निफिकेंस इन न्यूटन्स इक्वेशंस ऑफ मोशन। तो अगर हम बात करें एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो क्या होगा, इसको जी से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल जी। ये बेसिकली क्या होता है, आपको पता है कि जैसे मेरे हाथ में मार्कर है, ठीक है, व्हेन आई एम होल्डिंग दिस मार्कर एंड इफ इट इज नॉट बीइंग रिलीज फ्रॉम माय हैंड देन व्हाट विल हैपन, कि मेरे हाथ में अभी भी जैसे मैं इसको रिलीज करूंगा जस्ट बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स इट विल फॉल डाउन एंड अर्थ की जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है वो उसको हमेशा हर ऑब्जेक्ट को अपने सेंटर की तरफ खींचने की कोशिश करती है। तो वी कैन डिफाइन दिस एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एज द फोर्स विद विच अर्थ पुल्स एन ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स द सेंटर। ठीक है, द फोर्स विद विच द अर्थ पुल्स एन ऑब्जेक्ट towards the center of earth। अब एक चीज आपको पता होगा इसमें क्या होता है, इसकी यूनिट क्या होती है बेसिकली, ठीक है, इसकी यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, जी की वैल्यू आपकी हो जाएगी सॉरी एक्सीलरेशन की जो ग्रेविटी है ना 9.8 मीटर पर, हाँ ठीक है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। और इसकी वैल्यू कितनी होती है 9.8, ठीक है, राउंड ऑफ में हम 10 भी लेते हैं इसको। और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू जो होती है वो बेसिकली दो तरीके से मैं आपको समझा दे रहा हूँ। जैसे अगर हमने किसी ऑब्जेक्ट को वर्टिकली ऊपर फेंका तो जब ये बॉल यहाँ पे पहुंची तो इट हैज अटेन सम हाइट, बट यहाँ पे क्या होगा, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू डिक्रीज करेगी। ठीक है, यहाँ पे माइनस जी हो जाता है, व्हेन द बॉल और एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कीप्स ऑन डिक्रीजिंग, द वैल्यू ऑफ जी गेट डिक्रीजेस। लाइक अगर हम लोग अर्थ पे बात कर लेते हैं तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू जो होती है वो मैक्सिमम होती है पोल्स पे, इसको याद रखिएगा, मैक्सिमम होती है पोल्स पे और मिनिमम होती है इक्वेटर पे, इसलिए होती है इक्वेटर पे।
तो व्हेन वी मूव फ्रॉम पोल्स टू इक्वेटर द वैल्यू ऑफ जी गेट डिक्रीजेस एंड व्हेन वी मूव फ्रॉम इक्वेटर टू पोल इट गेट इंक्रीजेस लाइक फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट होगा तो प्लस जी लगेगा. अभी इसी का यूज न्यूटन्स इक्वेशंस ऑफ मोशंस में भी आप लोग पढ़ेंगे. तो गैलीलियो एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक चीज बताई थी, अगर दो बॉडीज हम लोग ले लें और इक्वल मासेस के और सेम वेलोसिटी के साथ नीचे गिर रहे हैं लेकिन वैक्यूम में गिर रहे हैं, देन व्हाट विल हैपन, दे विल रीच द ग्राउंड एट द इन द सेम ड्यूरेशन ऑफ टाइम, दे विल टेक द सेम टाइम टू रीच द ग्राउंड. तो अब अगर हम लोग रिलेशन की बात कर लें कि जो हम लोगों ने ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट पढ़ा और जो हम लोगों ने ये वाली वैल्यू पढ़ी एक्सप्रेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसमें क्या रिलेशन बनता है, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ. एंड लेटर ऑन आई विल बी डिस्कसिंग अबाउट द न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ मोशन, दैट व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी व्हेन अ बॉडी इज फॉलिंग फ्रीली और व्हेन इट इज थ्रोन अपवर्ड. तो रिलेशन की बात करें अगर हम, तो रिलेशन बिटवीन जी एंड कैपिटल जी क्या होना चाहिए, अगर देखें तो हम लोग एक बॉडी कंसिडर कर लेते हैं जिसपे फोर्स लग रहा है, तो मास होगा उसका कुछ ना कुछ एम जी हो गया, ठीक है. और फ्रॉम लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हम लोगों ने क्या पढ़ा, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हमने पढ़ा एफ इज इक्वल टू जी एम वन एम टू बाय आर स्क्वायर होता है. तो फ्रॉम बोथ द इक्वेशन अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे एलएचएस में फोर्स है, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड व्हाट वी कैन राइट, फर्स्ट एंड सेकेंड से हम लोग देख सकते हैं ये चीज इसके बराबर होगी, एम जी विल बी इक्वल टू अगर हम उसको स्मॉल एम और इस टाइप में ले लें एम और स्मॉल एम, तो दिस विल बी स्मॉल एम एम और यहाँ पे जी बाय आर स्क्वायर, ठीक है, स्मॉल एम बोथ विद स्मॉल एम, जी विल बी इक्वल टू जी एम बाय आर स्क्वायर. अगर हम यहाँ पे देखें तो दिस विल बी दिस रिलेशन. तो अगर G और कैपिटल G के बीच में अगर आपका एग्जाम में कभी कोई रिलेशन निकाल के आएगा तो दिस विल बी इक्वल टू दिस, ठीक है, ये आपको आ सकता है एग्जाम में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और ग्रेविटेशन कांस्टेंट के बीच में अगर आपसे पूछे रिलेशन क्या है. अब हम लोग इफेक्ट ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ मोशन की बात करें तो दो केसेस पढ़ लेते हैं जल्दी से इसको. फर्स्ट केस है व्हेन द बॉडी इज फॉलिंग फ्रीली, व्हेन द बॉडी is falling freely. अगर ये freely falling object की बात की जाए तो कैसे होगा, ये object है नीचे गिर रहा है, ठीक, तो मैंने बताया acceleration due to gravity plus में होगा, तो equation of motion b equal to u plus at होती है, तो जहां पे a है this will be replaced by plus g because the body is falling freely due to acceleration due to gravity. यहाँ पे रखेंगे तो this will be u plus gt, ये first equation बन गई, then b square equal to u square plus 2as, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू जी एस हो जाएगा, यहाँ पे भी प्लस जी से रिप्लेस कर दिया. थर्ड केस एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, दिस विल बी इक्वल टू एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर. तो यहाँ पे आपने देखा होगा कि इन ऑल द थ्री इक्वेशन व्हाट आई हैव डन, आई हैव रिप्लेस दिस ए बाय प्लस जी सिंस द बॉडी इज फॉलिंग फ्रीली अंडर ग्रेविटी, तो ये आपके इक्वेशन बन जाएगी और जहां जहां पे जी की वैल्यू आपको रखनी है 9.8 या वो सब रख के आपको सॉल्व कर लेंगे. लास्ट पार्ट जो कि हमारा व्हेन द बॉडी इज थ्रोन अपवर्ड, वर्टिकली अपवर्ड ऊपर फेंक दिया हमने ऑब्जेक्ट को, यहाँ पे गिर रहा था ना ऐसे, यहाँ पे हमने ऊपर फेंका है, तो यहाँ पे जब ऊपर फेंकेंगे तो क्या होगा, ड्यू टू द फ्रिक्शन फोर्स ऑफ एयर या फिर अपथ्रस्ट चाहे जिसकी बात कर लें तो ऑब्जेक्ट का एक्सीलरेशन डिक्रीज करेगा बेसिकली, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी माइनस जी के टर्म्स में लिखेंगे, तो इक्वेशन में लिखा यू माइनस जी टी ये फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस टू जी एस सेकेंड बन गई, एंड थर्ड एस इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ये आपकी थर्ड बन जाएगी, ठीक है. सो स्टूडेंट दिस वॉज ऑल अबाउट लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, मैंने आपको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बता दी, इंपॉर्टेंस ऑफ लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बता दिया, रिलेशन बिटवीन जी एंड जी कैपिटल जी, एंड स्पेशल केस ऑफ इफेक्ट ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट एंड व्हेन वी थ्रो एन ऑब्जेक्ट वर्टिकली अपवर्ड. सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेस लेक्चर, जस्ट गो थ्रू माय वीडियो, आज का भी देखिए पहला वाला भी देखिए, अच्छा लगता है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा इसे, ठीक है. और अगर आपको कोई भी डाउट अभी भी होते हैं यू आर फ्री टू कॉल मी, यू कैन टेक्स्ट मी, यू कैन सेंड योर मैसेज इन द व्हाट्सएप ग्रुप, आई विल बी सॉल्विंग ऑल योर डाउट्स. बट एक चीज आपसे रिक्वेस्ट है, पहले पढ़िए, जो भी डाउट हो रहे हैं उनको जेन्युइन डाउट जो है अपने क्लियर जरूर करिए, बिकॉज अगर आप अपने डाउट नहीं पूछेंगे देन आपका चैप्टर ये ऐसे रह जाएगा, ठीक है. सो जस्ट गो थ्रू दिस वीडियो वन टाइम टू टाइम थ्री टाइम सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड ऑल द थिंग्स. थैंक यू फॉर टुडे.